अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। रामनाथ नाम का एक अमीर आदमी माधापुर नाम के गांव में रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतना धन था कि उसकी आगे की 7 पीढ़ियां घर बैठकर आराम से खा सकती थी। बस उसे एक ही बात का डर था कि कहीं कोई डाकू आकर उसकी संपत्ति ना लूट ले। तब वो एक दिन सोचता है, मेरा धन अगर ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन डाकू डाका डालकर मेरा सारा धन चुरा ले जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इस धन को बचाना होगा, लेकिन क्या करूं और कैसे इस धन को छुपा कर रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय डाकू की बहुत ही दहशत थी। वो आए दिन डाका डालकर लोगों को लूटते रहते थे। इसलिए रामनाथ बहुत ही सोच विचार करता है और उसे एक उपाय मिलता है। मैं अपने धन से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता हूँ, तब तो मेरा धन भी बच जाएगा और डाकुओं को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कभी ना कभी अगर डाकुओं को ये बात भी पता चल गई और उन्होंने मेरा गोल्डन ट्रैक्टर ही चुरा लिया तो बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँ। रामनाथ ये बात सोच सोच कर परेशान हो जाता है। बहुत सोचने के बाद एक दिन उस गोल्डन ट्रैक्टर को वो अपने ही खेत में अंडरग्राउंड में गाड़ कर छुपा देता है, जिसकी खबर उसके परिवार को भी नहीं रहती। उसका बेटा भी शहर जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे रामनाथ की भी हालत बेहाल हो जाती है और एक दिन उसकी हालत जैसे पहले थी ठीक वैसे ही गरीबी की हो जाती है। और अब तक वो जैसे अमीर बनकर घूमता था वो सब कुछ चला जाता है और एक दिन बुढ़ापे की वजह से वो मारा भी जाता है। उसके साथ साथ गोल्डन ट्रैक्टर का वो राज भी जमीन में दफन हो जाता है। ऐसे ही दिन चले जाते हैं। एक दिन उसका पोता रमेश गांव में आने की सोचता है। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं गांव जाना चाहता हूँ, वहां जाकर दादाजी की खेती बाड़ी करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे बेटा, उस गाँव में कुछ भी नहीं बचा है, खेत तो बंजर बन गए है, तुम अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी रमेश को बहुत ही रोकने की कोशिश करते हैं, पर रमेश उनकी बात ना सुनकर गांव चला आता है। उस गांव में अकाल पड़ा रहता है। तालाब और कुएं का पानी भी सूख गया था। तब रमेश खेत में कुआं बनाने की सोचता है। उस वक्त खेत का ही एक पड़ोसी कहता है, अरे बेटा तुम रामनाथ के पोते हो ना, इस बंजर जमीन पर कुआं मत खोदो, यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा बेटा। वैसे भी बारिश ना होने की वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। रमेश पड़ोसी की भी बात नहीं सुनता और कुआं खोदने के काम में लग जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अंडरग्राउंड में कुछ हाथ लगता है। जब रमेश उसे देखता है तो वो सोचता है, अरे ये तो गोल्डन ट्रैक्टर है, मैंने सुना था कि मेरे दादाजी ने इसे बनवाया था। अरे वाह, आखिर ये मिल ही गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। रमेश बहुत ही खुश होकर उस गोल्डन ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है। साथ में उसे कुछ और सोने के सिक्के भी मिलते हैं। वो उन सोने के सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। लेकिन इतने सालों से अंडरग्राउंड में रहने की वजह से गोल्डन ट्रैक्टर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिस वजह से वो उस गोल्डन ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने की ठान लेता है। रमेश कुछ ही दिनों में ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करवा लेता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। साथ साथ रमेश खेत में कुआं भी खोदता है। उसके पास पैसे होने की वजह से वो कुआं काफी अंदर तक जमीन में खोदता है, जिस वजह से आखिरकार उसे कुएं में पानी लग ही जाता है। वो शहर से कुएं के पानी को निकालने की मशीनरी भी लाता है और अपने खेत का काम शुरू करता है। वो उसे एक तरह से अपने दादाजी का आशीर्वाद ही समझता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, अगर आपने ये गोल्डन ट्रैक्टर और कुछ सोने के सिक्के यहाँ गाड़ कर नहीं रखे होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। रमेश ऐसा सोचकर अपने दादाजी को प्रणाम करता है और भरी धूप काले में वो अपने खेत को पानी देने के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी पानी की सप्लाई करता है, जिस वजह से सूखा पड़ने पर भी उसके गाँव के खेत लहरा उठते हैं। कुछ ही दिनों के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और वो अपने गोल्डन ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने लगता है और अच्छी फसल उगाकर गांव में ही रमेश अपने गोल्डन ट्रैक्टर के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मैजिकल गोल्डन ब्रिक्स ट्रैक्टर। बारामती नाम का एक गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक दिन अचानक रात के वक्त जब सारा गाँव सो रहा था
तब अचानक आसमान से एक उल्का आकर पहाड़ों से टकराती है और उसमें से एक विचित्र दानव बाहर आता है। लेकिन वो दानव सीधा गांव में घुस जाता है और घर के बाहर सोए हुए कुछ आदमियों को उठाकर पहाड़ों में बनी गुफा में वापस चला जाता है। गांव में सुधाकर नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अलग अलग काम करके अपना जीवन गुजारता था, लेकिन उसे मशीनों के प्रति खासा लगाव था। वो हमेशा चाहता था कि वो खुद का एक ट्रैक्टर बनाए। एक दिन रोज की तरह काम करते वक्त उसे एक गैराज में पुराना सा ट्रैक्टर दिखता है। उसे देखकर सुधाकर सोचता है, अरे वाह, ये ट्रैक्टर तो काफी पुराना है। अगर मैं इसे ले जाकर इस पर अपना काम करूंगा तो मैं इसे नया बना सकता हूं। इस तरह से सुधाकर उस गैराज के मालिक से बात करके उस पुराने ट्रैक्टर को अपने घर ले आता है और उस पर अपना काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में उसे ठीक करके उसे चलाने के लिए तैयार करता है। दूसरे दिन जब वो उस ट्रैक्टर को लेकर बाहर निकलता है तभी उसे गांव के जमींदार का बेटा रमेश अपने आदमियों के साथ कहीं जाते हुए मिलता है। वो कहता है, अरे ओए भिखारी, ये ट्रैक्टर तूने कहां से चुराया बे? अब तू क्या चोरी भी करने लगा? नहीं नहीं मालिक, मैंने तो गैराज मालिक से लेकर खुद इसे ठीक किया है। अच्छा, तू इतना होशियार कब से बना बे? लेकिन इसका करेगा क्या? मालिक, कुछ काम मिले तो लूंगा और कमाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा, अब तू हमारी बराबरी करेगा, रुपया कमाकर हमसे अमीर बनेगा, अभी बताता हूं तुझे। अरे ओए, देखते क्या हो बे, चलो मारो इसे। रमेश के ऐसा कहते ही उसके आदमी सुधाकर को पीटने लगते हैं। गांव का जमींदार का बेटा होने की वजह से कोई भी उनके बीच में नहीं आता। रमेश और उसके आदमी सुधाकर को खूब मार मारते हैं और उसके ट्रैक्टर को भी तोड़ फोड़ कर गांव के बाहर पहाड़ों में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सुधाकर को होश आता है तब वो देखता है कि उसके ट्रैक्टर का हाल बहुत बुरा हो चुका है। उसे देखकर वो रोने लगता है। तभी उसे एक गुफा से सुनहरी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो उस रोशनी की तरफ देखता है और सोचता है, अरे बाप रे, इतनी सुनहरी रोशनी, आखिर ये कहां से आ रही है? क्या होगा इसके अंदर? चलो चलकर देख ही लेता हूं। ऐसा सोचकर सुधाकर उस रोशनी के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे एक अलग ही किस्म की दुनिया दिखाई देती है। वहां पर गोल्डन ब्रिक्स की अलग अलग इमारतें थी और ढेर सारे गोल्डन ब्रिक्स के लोग भी रहते हैं। उनमें से एक आदमी सुधाकर से कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना वो दानव तुम्हें भी सोने का बना देगा। लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे उसी दानव ने, वो देखो उस गोल्डन ब्रिक से वो दानव जादू करता है। सुधाकर देखता है कि एक गोल्डन ब्रिक एक टेबल पर रखी हुई थी। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे दानव का आवाज आता है, जिसे सुनकर वो पासी में छुप जाता है। वो देखता है कि उस दानव ने किसी आदमी को गांव से उठाकर लाया और उसे भी वो उस गोल्डन ब्रिक से सोने का बनाने वाला होता है कि तभी सुधाकर उस गोल्डन ब्रिक को लेकर वहां से भागने लगता है। वो उस गुफा के बाहर आता है और उस गोल्डन ब्रिक को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैजिकल गोल्डन ब्रिक उसके ट्रैक्टर पर जाकर गिरती है। वो गोल्डन ब्रिक ट्रैक्टर पर गिरते ही सुधाकर का ट्रैक्टर एक मैजिकल गोल्डन ब्रिक ट्रैक्टर में बदल जाता है और अपने आप चलने भी लगता है। ये देखकर सुधाकर को हिम्मत आती है और वो फिर से अंदर जाकर अपने मैजिकल गोल्डन ब्रिक ट्रैक्टर से उस दानव को खूब मारता है। वो दानव कहता है, अरे अरे मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। सुधाकर भी उसकी बात मान लेता है और वो दानव वहां से चला जाता है। उसके जाते ही उसने जादू से बनाए हुए सारे लोग भी असली इंसान में बदल जाते हैं। सुधाकर उन लोगों को लेकर गांव में वापस आता रहता है। गांव वाले सुधाकर को उसके गोल्डन ब्रिक्स ट्रैक्टर को देखकर चौंक जाते हैं और सुधाकर गांव में ही अपने मैजिकल गोल्डन ब्रिक्स ट्रैक्टर की मदद से अलग अलग काम करके अपनी जिंदगी गुजारने लगता है।